हेलो ऑल, हाउ आर यू? आई थिंक तुम समस्त भल थो। तो आज आम पढ़ा सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन रो यूनिट टू। ओके, यूनिट टू टा बहुत छोटे यूनिट टे, आधे मात्र मुझे चार्टा क्वेश्चन बनई और किटा फंडामेंटल्स आइडिया तुमको देटा तुम पढ़ले तो जापर। चलो देखा आधे कंटेंट सब कौन कौन अच्छी। ओके, तो कल्चर यूनिट टू रेम अच्छे कल्चर एंड एजुकेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कल्चर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर, डायमेंशन ऑफ कल्चर, कल्चरल लैग, कल्चरल प्लुरालिज्म, इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर। एबे चलो देखिबा इथरे सब ए जो कंटेंट गुड़िक रहिला ए सब गुड़िक कौन कौन अच्छी, आम कल्चर एंड एजुकेशन कौन कौन अच्छी। ओके, एटा बहुत छोटिया यूनिटटे, एथरे लॉन्ग क्वेश्चन तो अच्छी सियोर, बट आम जो फंडामेंटल्स किसी बुझे पारा तो आम लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखिपर है। तो फास्ट आमको आर फंडा क्लीयर करार अच्छे, और कल्चर एंड एजुकेशन कौन आमको से जानवर अच्छे। चलो एबे आम देखा एथेर कौन कौन कंटेन्ट अच्छी। एबे देख फास्ट गोटे क्वेश्चन मुझे ह्वाट इज द मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर। ओके, कल्चर रो मीनिंग कौन अच्छी, कैरेक्टरिस्टिक कौन अच्छी, आम से विषय फास्ट रू पढ़ा। मीनिंग ऑफ कल्चर कौन देखा ना, कल्चर मीन्स ए वे ऑफ लाइफ ऑफ ए सोसाइटी। गोटे सोसाइटी रो वे ऑफ लाइफ को आम कल्चर बोली कहिबा। इट इनक्लूड्स द वे ऑफ ईटिंग फूड्स, वेयरिंग क्लॉथेस, यूजिंग लैंग्वेज, मेकिंग लव, गेटिंग मैरिड, गेटिंग बोरेड, प्लेइंग गेम्स इटीसी। यही गुड़ाक सब इनक्लूड कौथे हूँ आम कल्चर धीरे इनक्लूड हो। आम समस्ते जाचे आम संस्कृति कौन, ओडिया कल्चर रिया है संस्कृति। आम समस्ते जाचे आम संस्कृति, आम संस्कार विषय आम समस्त ओडिया जाचे, जमीक आम खाइबा शैली केमती हवा दरकार, आम पिंधा शैली केमती हवा दरकार, आम कौ टाइप कथबार्ता करवा दरकार, आम बिहेवियर केमी हवा दरकार। गेटिंग मैरिड भी गोटे पार्ट रोच, खेल भी गोटे पार्ट रोचे आम कल्चर रोके। द टर्म कल्चर हाज बीन डिराइव फ्रम द वर्ब कल्टिवेट। ओके, कल्चर जो रहिला गोटे टर्म रहिला सेटा कल्टिवेट रो गोटे वर्ब बा कल्टिवेट वर्ब रो डिराइव हेछे। एंड इट्स ए नाउन कल्टिवेशन, कल्टिवेशन टा हला नाउन, कल्टिवेट वर्ब आ कल्टिवेशन नाउन रो कल्चर डिराइव हेछे। देयरफोर कल्चर मीन्स टू रिफाइन और सिविलाइज। तो कल्चर रो माने हला रिफाइन एंड सिविलाइज। ओके, तापर देख कल्चर इज सराउंड्स द इंडिविजुअल इन द फॉर्म ऑफ रिचुअल प्रैक्टिस सैंक्शन इटीज। ये सब गोटे गोटे यार सराउंडिंग बा कल्चर रा सराउंडिंग। ओके, सराउंडिंग रे कौन कौन अच्छा ना, आम रिचुअल अच्छी, प्रैक्टिस अच्छी, सैंक्शन अच्छी, ये सब जिनस अच्छी। एबे देखिबा कहार व्यू रे सब कौन कौन कल्चर को से माने कौन कौन कहते। तो फास्ट मुझे छटा व्यू नहीं, तो फास्ट देखिबा मैथ्यू आर्नोल्ड कौन कहते ना, कल्चर इज ए स्टडी ऑफ परफेक्शन एज द बेस्ट दैट हैज बीन थॉट एंड नोन। तो कल्चर कौन गोटे स्टडी ऑफ परफेक्शन, गोटे सब टाइम जमी परफेक्शन टाक बेस्ट कहुचे। तो स्टडी ऑफ परफेक्शन है कल्चर, किए कहते कथा ना आम मैथ्यू आर्नोल्ड कहते। एलुड कौन कहते ना, कल्चर इनक्लूड्स ऑल ऑफ मैन्स मैरिड, सिविलाइजेशन, टूल्स, वेपन्स, क्लॉथिंग, शेल्टर, मशीन्स एंड इवन इट्स सिस्टम ऑफ इंडस्ट्री। ओके, कल्चर ये सब जिनस को इनक्लूड करुच्छी बोल कि एलुड कहते। ओके, तापर देखिबा आमर एमर्सन कौन कहते, द फाउंडेशन ऑफ कल्चर एज द कैरेक्टर इज एटलिस्ट द मोरल सेंटिमेंट। तो फाउंडेशन ऑफ कल्चर कौन ना, तार कैरेक्टर द मोरल सेंटिमेंट। ओके, एटा किए कहले ना आमर एमर्सन कहते। दयानंद स्वामी कौन कहते ना, कल्चर कनसीस्ट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द ट्रुथ एंड अबैंडनमेंट ऑफ अनट्रुथ।
तो कौन करे ना कल्चर सब बड़े एक्सेप्ट करे ट्रुथ को आउ अबैंडनमेंट का हो करे ना अनट्रुथ को असत्य असत्य को सब बड़े अबैंडन करे आउ ट्रुथ को एक्सेप्ट करे ओके महात्मा गांधी कौन कहले हमर कल्चर विषय ना कल्चर इज द फाउंडेशन द प्राइमरी थिंग इट शुड शो इटसेल्फ इन द स्मॉलेस्ट डिटेल ऑफ योर कंडक्ट एंड पर्सनल बिहेवियर तो कल्चर टा कौन करे ना तुम्हें सब निज भीतर ही कल्चर टा को देखा मिले केमी देखा मिले ना आम पर्सनाल बिहेवियर देखा मिले इनर कल्चर टा आम कौन ना आम स्पीच देखा मिले आम कथ कहार शैली केमी रोची आमर कल्चर जना पड़ जाए तापर जवाहरलाल नेहरू कौन कहते ना कल्चर इज द वेडिंग ऑफ द माइंड एंड द स्पिरिट तो वेडिंग माने कौन ये रहा मैंने वाइड करवा ओके आम माइंड और स्पिरिट के कौन करुच्छी ना कल्चर टा सब वाइड करुच्छी ओके देन तापर आम देखा ना टाइप ऑफ कल्चर कौन अच्छी देख कल्चर दुई प्रकार अच्छी गोटे है मटेरियल कल्चर गोटे है नॉन मटेरियल कल्चर ओके मटेरियल कल्चर कौन ना मटेरियल कल्चर कंसिस्ट ऑफ ऑल विजुअल ऑब्जेक्ट आम जहाँ देखुचे हेला जो जिनसटा आम देखिकी फिल करुचे सेटा हला हमरा मटेरियल कल्चर नॉन मटेरियल कल्चर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी गोटे हला कॉग्निटिव सिस्टम आउ सेकंड हला नॉर्मेटिव सिस्टम कॉग्निटिव सिस्टम रे कौन जाउची ना द कॉग्निटिव कॉग्निटिव कंपोनेंट्स ऑफ द कल्चर इंक्लूड द डेफिनेशन दैट पीपल गिव्स द एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट तो कौन हला ना कॉग्निटिव टा कौन हला ना पीपल जो गोटे डेफिनेशन देबे जे एवरीथिंग जो जिनसा डेफिनेशन देवे सेटा एग्जिस्ट हो थिबो तो सेटा को हमें कौन कहले सेटी ना कॉग्निटिव सिस्टम कहले नॉर्मेटिव कौन ना द नॉर्मेटिव सिस्टम इज द कोर ऑफ ए कल्चर तो या को कौन कहले ना हमें गोटे कोर ऑफ कल्चर कहले इट कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज नॉर्म्स इंस्टीट्यूशन एंड सैंक्शन एटा का कनसीस्ट कला ना वैल्यू कला नॉर्म्स को कला इंस्टीट्यूशन को कला एंड सैंक्शन को कला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर देखा तापर कौन कौन अच्छी वैल्यूज नॉर्म्स इंस्टीट्यूशन एंड सैंक्शन एटा का कनसीस्ट कला ना वैल्यू कला नॉर्म्स को कला इंस्टीट्यूशन को कला एंड सैंक्शन को कला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर देखा तापर कौन कौन अच्छी द लर्नड इक्विटी ओके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर रे जाउछि द लर्नड इक्विटी द ट्रांसमिटिव क्वालिटी कल्चर इज कम्युलेटिव ओके कल्चर इज अडैप्टिव ग्रैटिफाइंग क्वालिटी कल्चर रा ग्राटिफाइंग क्वालिटी अच्छी यही सब आम कौन कौन जाऊँगी ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर रे जाऊँगी आपको तुम चाहिए ब्रीफ करके पढ़ी पार तुम बुक्स रे भी अच्छी बट एते एटा मे बी आसी पारे तुम क्वेश्चन रे गोटे पार्ट हिसाब से आसी पारे ओके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर द लर्न क्वालिटी ओके लर्न रो क्वालिटी आम जापर द ट्रांसमिटिव क्वालिटी भी कौन आम जानचे जे ट्रांसमिटिव केमी आम कल्चर ट्रांसमिटेड हो जेनेसन टू जेनेसन तो सहीटा है ट्रांसमिटिव क्वालिटी कल्चर इज कम्युलेटिव ओके कल्चर इज आडाप्टिव पर जेनेसन कौन करुच्छी ना कल्चर को आडाप्ट करवाक बाध्य होमती गोटे कथा अच्छी एवं रिसेंटली आम कि पर्वपर्वाणी जाइए ओके आम प्रीवियस जेनरेशन भी से पर्वपर्वाणी करुले आम से पर्वपर्वाणी करुचे तो ये कौन है ना आम से कल्चर को आडाप्ट कले आउ कल्चर इज आडाप्टिव तो से कल्चर को जो आम आडाप्ट कले तो तार भी गोटे नेचर हो गला कौन ना आडाप्टिव नेचर हो गला तापर ग्राटिफाइंग क्वालिटी ओके ये सब जाऊँ आम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर रे तापर सेकेंड क्वेश्चन आमर अच्छी राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कल्चरल लैग्स शॉर्ट नोट तुमको 1.5 पेज ही लिखबार अच्छी तो तुम्हें फास्ट ओडिया रे भल से बुझी जाओ तुम्हें इंग्लिश रे ताको ट्रांसलेशन करके आराम से लिखि पारिबो ओके कल्चरल लैग इज ए स्टेज ऑफ सिचुएशन व्हेन वैल्यूज डू नॉट अडैप्ट एंड रिस्पोंस एट द सेम रेट ऑफ चेंजेस इज मटेरियल कंडीशन ओके कौन है ना आम वैल्यू अडाप्ट होनी एंड रिस्पॉन्स एट द सेम रेट एज चेंजेस इन मटेरियल कंडीशन ओके मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर कौन आम देखा कल्चरल लैग रे ना कल्चर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू आस्पेक्ट्स नेमली मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर मुझे कल्चर दुई प्रकार गोटे है मटेरियल कल्चर आ गोटे है नॉन मटेरियल कल्चर ओके द मटेरियल कल्चर इज दैट व्हिच कैन बी प्रीरिसीव दैट इज व्हिच इंक्लूड्स द टूल्स वेपन्स ऑर्नामेंट्स वेसल्स क्लॉथिंग शेल्टर इट इज ओके
सेल्टर इट इज यही सब नहीं कि आमर कौन है ना आमर मटेरियल कल्चर है। देखिबा नॉन मटेरियल कल्चर कौन अच्छी द नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर व्हिच कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द आउटसाइड। तो नॉन मटेरियल कल्चर टे कौन ना आम आउटसाइड रे देखि परबानी व्हिच इंक्लूड स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन आम निज भितर जो चेंजेस टा होची कल्चर को नै कि ताको आम कौन कहू ना नॉन मटेरियल एस्पेक्ट बा नॉन मटेरियल कल्चर। ओके द गैप बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर इज कॉल्ड कल्चरल लैग। तो मन रख जो मटेरियल कल्चर रहिला और नॉन मटेरियल कल्चर रहिला ता भीतर जो गैप रहिला सेटा को हमें कौन कहूचे ना कल्चरल लैग कहूचे। रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर दैट इज कॉल्ड कल्चरल ग्रोथ। तो जो ये जो गैपटा को हमें कौन कहले ना कल्चरल लैग कहले और से जो गैपटा को कौन है ना जितेबले रिड्यूस करा जाए। ओके जितेबले से कल्चरल लैगटा को रिड्यूस करा जाए ताको हमें कौन कहले ना हमर कल्चरल ग्रोथ बोली कहूचे। The term cultural lag refers to the notion that culture take time to catch up, okay, with technology, innovation, and that social problems and consists are caused by this lag, okay? तो एक cultural lag जो कौन हुए ना बहुत problem create हुए, कोठी ना nation रे बहुत problem create हुए। इटा गला हमरा cultural lag रो short note। Then third रे आसीबा हमरा cultural pluralism। आम देखा कल्चरल लैग गला कौन जगह जानले ना आम मटेरियल नॉन मटेरियल भितर जो आम गैप रहिला सेटा को आम कल्चरल लैग कहले एबे देखिबा कल्चरल प्लुरालिज्म कौन। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ द थ्योरीज ऑफ कल्चर इज द कल्चरल प्लुरालिज्म। द फर्स्ट आउ फॉरमोस्ट थ्योरीज सब कौथे अच्छी ना आम कल्चरल प्लुरालिज्म उपर अच्छी। The safeguarding of the independent entity by the diversified races and group is called cultural pluralism. तो हमर जो safeguarding रहिला guarding okay of the independent entity by the diversified races and group जो diversified races और group भीतरे हमर safeguarding of independent entity रहिला तर रहिला तो ताको हम कोन कहले ना called cultural pluralism। कल्चरल प्लुरालिज्म इज द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ एनी सोसाइटी। इट इज ऑल्सो ए सिंबल फॉर एन एनरिच्ड कल्चर फ्रैटर्निटी एंड पीस एग्जिस्टिंग इन एनी सोसाइटी। ओके बुझिपाल कल्चर प्लुरालिज्म कौन ना गोटे नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ गोटे सोसाइटी रो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर है एटा कौन ना गोटे सिंबल ऑफ कौन ना फ्रैटर्निटी एनरिच्ड कल्चर फ्रैटर्निटी एंड पीस एग्जिस्टिंग एनी सोसाइटी। ओके द स्प्रेड ऑफ कल्चर इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन इट्स जियोग्राफिकल एक्सटेंट। ओके आमर जो कल्चर ऑफ प्लुरालिज्म कौन है ना गोटे जियोग्राफिकल एक्सटेंट उपरे डिपेंड करे। ओके एंड द कल्चर ऑफ स्पेसिफिक सोसाइटी इज एक्सेप्टेड एंड द फॉलोड बाय द पीपल हु बिलोंग टू द स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। ओके फ्रॉम द हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट इट इज एविडेंट दैट द पीपल ऑफ पर्टिकुलर रीजन हैड ए स्पेशल मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर ऑफ देयर ओन। तो जियोग्राफिकल एरिया जोटा कि हमरा कहा जाय छी किछि जगह रो किछि जगह को नै कि हमरा कल्चर डिफरेंट डिफरेंट रो है तो सेतरे कोन हुए ना तमे गोटे कल्चर रे था अन्य मन को कल्चर भी से कल्चर छुटी के डिफरेंट हे थे। ओके तो समस्त जेते बडे मिसि जानती से माने जानि परंती जे कहार कल्चर कोटा के केमती से सेति पेन से कहला फ्रॉम द हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट इट इज एविडेंट दैट द पीपल ऑफ द पर्टिकुलर रीजन हैड ए स्पेशल मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर ऑफ देयर ओन। एमती कि हम लैंग्वेज भी समस्त सेम नहीं धरी नि गोटे एग्जाम्पल देली ओडिशा आम समस्ते अच्छे नहीं तो ओडिशा रो साउथ पार्ट रे से माने गोटे टाइप रो लैंग्वेज कहती आउ ईस्ट पार्ट रे मध्य गोटे लैंग्वेज कहती वेस्ट रे गोटे लैंग्वेज कहती एमती माने लैंग्वेज रो डिफरेंस रही ना नहीं तो से कहला जमी आम लैंग्वेज डिफरेंस रही सेम कल्चर मध्य डिफरेंस रही कौ कौ कल्चर ना मटेरियल कल्चर डिफरेंस रही ईस्ट पार्ट रे मध्य गोटे लैंग्वेज कहती वेस्ट रे गोटे लैंग्वेज कहती एमती माने लैंग्वेज डिफरेंस रही ना नहीं तो से कहला जमी आम लैंग्वेज डिफरेंस रही सेमती आम कल्चर मध्य डिफरेंस रही कौ कौ कल्चर ना मटेरियल कल्चर डिफरेंस रही नॉन मटेरियल कल्चर डिफरेंस रही।
द एक्जिस्टेंस ऑफ मेनी कल्चर इन ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल स्टेट विद देयर ओन कल्चर इट कैन बी कॉल्ड द कल्चरल प्लुरलिज्म। ओके बुझिपारल देखिबा आमर कल्चरल प्लुरलिज्म तो एटा ओवरऑल तुमको कहली एबे देखिबा आमर इंडिया रे केमती अछि ना इंडिया कल्चर इज नॉट ए सिंगल कल्चर इंडिया रे मु कहूछि इंडिया आमर बहुत भाषा भाषी गोटे देश एठी बहुत धर्मर लोक माने बास करंती बहुत कल्चर एठी अछि तो सेथिपइन से कहला इंडिया कल्चर इज नॉट ए सिंगल कल्चर बट इट इज ए यूनिक कल्चर व्वेर द एडमिस्टर ऑफ डिफरेंस कल्चर कैन बी सीन। एठी कौन हुए ना बहुत सारा कल्चर मिक्सिंग मिक्सचर हो कि आमको सीन करा जाए आम देखीचु पंजाबी माने से मानकर कल्चर अलग मुस्लिम भी एठी अछंदी से मानकर कल्चर अलग हिंदूज मानकर कल्चर अलग क्रिश्चियन मानकर कल्चर अलग पर ओवरऑल देखिबा को गले आमे समस्ते एकाठी आ समस्ते इंडियन। ओके एबे आम देखिबा कल्चर प्लुरलिज्म इन एजुकेशन एटा गला इंडिया रे एबे एजुकेशन ने केमती कल्चरल प्लुरलिज्म अछि सेटा देखिबा एजुकेशन हैज ए पिवोटल रोल इन ए सोसाइटी व्हेयर देयर इज कल्चरल प्लुरलिज्म। तो ये जो कल्चरल प्लुरलिज्म अछि एजुकेशन गोटे वाइटल रोल नहीं छै बा पिवोटल रोल नहीं छै पर्टिकुलरली स्कूल इज ए मिक्सचर मेनचर सोसाइटी व्हेयर चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर्स गेट एजुकेशन इट इज ए सिक्युलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके स्कूल भी गोटे जमी कहली इंडिया रे बहुत जातिर बहुत धर्मर लोक बास करती बहुत जाति गोटे धर्म रे बहुत सारा जाति अच्छे से मैंने बास करती तो आमर स्कूल भी गोटे से स्कूल को क्या भी मना नहीं ना आम हिंदू आसीपर कि मुसलिम आसीपर कि क्रिश्चियन आसीपर से ना सबू कल्चर पिला आसिक पाठ पढ़ी पारे आईटा गोटे सिक्युलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके तो आमर कल्चरल प्लुरलिज्म आम एजुकेशन रे देखा जाउछि। एबे आम फोर्थ क्वेश्चन देखिबा बा एंड क्वेश्चन एटा तम मानक पाई राइट द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन कल्चर आउ एजुकेशन भितर आम रिलेशन कौन अच्छे मुझे आगु फास्ट्रु कही ये गोटे छोटे यूनिटे अच्छी आम बहुत जल्दी या पढ़ी पार और मन रखिपर से तुमको ब्रीफिंग ओडिया रे मध्य कर दोची जेहेतु तुमको टिके सुविधा हबो तमे निज मने रखिबा पई। ओके देखिबा राइट द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन कल्चर आउ एजुकेशन भितरे कौन आम रिलेशनशिप रही एजुकेशन एंड कल्चर आज इंटीमेटली रिलेटेड तो ये दुटा जाक कौन ना इंटीमेटली रिलेटेड कल्चर आउ एजुकेशन कल्चर सर्व्स एज द इंस्ट्रूमेंट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर हेरिटेज मुझे कल्चर कौन करे ना गोटे ट्रांसमिशन तार कैरेक्टरिस्टिक रे थिला ट्रांसमिशन थिला ना नहीं तो कौन ना कल्चर सर्व एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज रो रहिला कल्चर कौन करे ना ताको सर्व करे बा ट्रांसमिटेड करे द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड कल्चर कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स यही सब पॉइंट्स आम कौन करुचे ना देखुचे कौन कौन रही रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन एजुकेशन इज ए प्रोडक्ट ऑफ कल्चर तो एजुकेशन कौन रहिला ना गोटे प्रोडक्ट रहिला कार ना कल्चर रहिला एजुकेशन लीड्स टू कल्चरल चेंजेस एंड ऑल्सो प्रमोट इट एजुकेशन कौन करे ना जिते बड़े आम गोटे कथा एजुकेशन कहती सब बड़े मानते ज्ञानटा को गोटे दीप संगे तुलना करती तो कौन हुए ना अज्ञानर अंधकार को दूरीभूत कर ज्ञानर दीप जलाए को किए ना आम एजुकेशनटा है तो जिते बड़े कल्चरटा भूल थाए से आम जब ठीक पाठ पढ़ी ठीक जाणी सब विषय तो आम कौन करवा ना गुडटा को आक्सेप्ट करवा और बैडटा को फायर करदे। ओके तो से एजुकेशन लीड्स टू कल्चरल चेंजेस एंड ऑल्सो प्रमोट्स इट से एजुकेशन कौन करे ना कल्चरल चेंजेस कराए आउ प्रमोट्स करे। एबे देखिबा एजुकेशन इक्विप्स इंडिविजुअल टू एडमिट वन सेल्फ इन द चेंजिंग कल्चरल पैटर्नस आम कल्चरल पैटर्न सब प्रायत चेंज होता है और एजुकेशन कौन करे ना हेल्प्स करे कौथे ना प्रत्येक लोक को हेल्प करे जे आम एडमिट करवा है निजपाई से कल्चर को आम एडमिट करवा यहाँ एजुकेशन आमको हेल्प करे। ओके देन आसला एजुकेशन फंक्शंस टुवर्ड्स द ट्रांसमिशन ऑफ द कल्चर टू द सक्सेसिव जनरेशन तो गोटे जेनेसन को आउ गोटे जेनेसन को जिते बार कल्चर ट्रांसमिशन हुए से एजुकेशन बहुत हेल्प करे। ओके एजुकेशन सेफ कार्ड्स एंड प्रिजर्व्स ऑफ कल्चरल पैटर्न्स एजुकेशन कौन करे ना आम कल्चर को सेफ करे।
ओके आम कल्चर सेफगार्ड किए है ना एजुकेशन देन रहा एम ऑफ एजुकेशन इन रिलेशन ऑफ कल्चर एम ऑफ एजुकेशन कौन अच्छे आम रिलेशन टू कल्चर रे देखा टू प्रमोट ह्यूमन बीइंग्स हू एटलिस्ट विल परफेक्टुएट एंड इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग ऑफ कल्चर तो कौन करे ना आमर ह्यूमन बीइंग को प्रमोट करे किए प्रमोट करे ना एजुकेशन प्रमोट कराए आमर जो कल्चर एग्जिस्ट अच्छी ताको इम्प्रूव करने मानवापी ओके टू डिटरमाइन द कल्चरल एम ऑफ द एजुकेशन तो एम ऑफ एजुकेशन एटा भी गोटे रहा रिलेशन टू कल्चर कौन रहा ना टू डिटरमाइन द कल्चरल एम एंड ऑफ द एजुकेशन तो कल्चरल एम जो रोचे एजुकेशन रेटा को प्रमोट कराइबा टू मेक एजुकेशन ए प्रोसेस ऑफ कल्चर एंड ए प्रोडक्ट ऑफ कल्चर तो एजुकेशन को कौन कर एजुकेशन गोटे एम रहा जे आमर एजुकेशन प्रोसेस को कल्चर कल्चर गोटे प्रडक्ट करने ओके हाँ से कल्चर प्रोसेस गोटे प्रोसेस आ प्रडक्ट करने रहा एजुकेशन रम तो यहीटा तुम ओवरअल यूनिट टू थिला एटा तुमको मुझे बुझेदी आई थिंक तुम समस्त बुझे पारिथिब आ भलसे लिखिपार कि भी प्रोब्लेम हेनी यूनिटा गोटे छोट यूनिट थिला आई थिंक समस्ते बुझी पारिथिबो सो थैंक यू भलसे पढ़ और निजे ओडिया रे पढ़ निजे निजो बुक रु हो कि गाइड रु हो निजे भलसे पढ़ तार ओडिया मीनिंग बाहर कर आउ जेतिके भी तुमको मुझे बुझे आई थिंक एटा पूरा ओवरअली मुझे तुमको बुझे सारी देन तुम कि प्रोब्लेम हेनी एजुकेशन सॉरी एग्जामिनेशन टोटली भी ओरिड हुआनी ओके देन थैंक यू।